बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान रहते हैं। बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। ये बेवजह नहीं है, इसकी वजह है एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वो आपकी होगी। आधुनिक विज्ञान आज ये मानता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज होती है, यानी अंतरिक्ष या खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज आपके जीवन की प्रकृति तय करेगी। आप एक धन्य प्राणी होंगे या बाकी जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे, ये बस इस पर निर्भर करता है कि ये आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान रहते हैं, है ना? बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। ये बेवजह नहीं है, इसकी वजह है कि आप या तो सचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब मैं आकाशीय या अंतरिक्ष या पांचवा तत्व कहता हूं, तो इसे पांचवा तत्व कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यही सबसे अहम तत्व है। बाकी दूसरे चार बस उसके ऊपर काम करते हैं। मूल तत्व आकाश या अंतरिक्ष है, इसी पर दूसरे चार काम करते हैं। हम यहां एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और यह घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना, सौर मंडल, हर चीज। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है। आप अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं, इसीलिए नहीं कि आपके पास बैठने के लिए नितंब हैं। आप अपनी जगह पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने आपको थाम रखा है, है ना? You think it's your buttock? आपको लगता है कि ये नितंब की वजह से है? आपके नितंब से नहीं, आकाश ने आपको थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। ये आकाश है जिसने सौर मंडल को थाम रखा है। ये आकाश है जिसने इस आकाश गंगा को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है और कोई तार नहीं बंधा है। बस यूं ही, बस ऐसे ही थाम कर रखा है। अब ये आकाश, अगर आप जानते हैं कि इसका सहयोग कैसे लें, अगर आप जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त करना है, तो आपका जीवन धन्य होगा। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूं, जो वैसे भी हमेशा आप में से आधे लोग नहीं करेंगे। आप बस इतना कीजिए, सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री का कोण पार करने के पहले, 30 डिग्री का मतलब इतना, 30 डिग्री के कोण को पार करने से पहले आकाश की ओर देखें और आपको आज थामने के लिए नमन करें। जब यह 30 डिग्री को पार कर जाता है, दिन के दौरान किसी भी समय ऊपर देखें और फिर से नमन करें। सूर्यास्त के बाद एक बार फिर ऊपर देखें और नमन करें। ऊपर किसी भगवान को नहीं, बस आकाश को। आपको आज थामने के लिए बस ऐसा कीजिए, जीवन नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि तेंदुलकर भी ऊपर देखते हैं? और क्या आपने देखा है कि सिर्फ वे ही नहीं, प्राचीन काल से जब इंसान ने युद्ध जीते या महान सफलता के क्षणों में, क्योंकि अनजाने में एक एहसास होता है, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऊपर वाले को देख रहे होंगे, पर उनमें से ज्यादातर जो लोग चोटी पर चढ़ने में सफल हुए, माउंट एवरेस्ट पर, तो यह स्वाभाविक रूप से होगा। क्या आपने ये देखा है, चाहे वो भाव स्पंदना या साम्यमा, जब आपने अनुभव के शिखर को छुआ,
तब क्या आपने गौर किया कि आपका शरीर आभार से भर जाता है? शरीर भी आपकी जागरूकता के बिना ऐसे हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समझ है, एक बुद्धिमत्ता मौजूद है जो ये पहचानती है। आप इसे सचेतन होकर दिन में 3 बार करें। अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन जादुई तरीके से चलेगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वो आपकी होगी, क्योंकि एक बुद्धिमत्ता जो आपकी समझ से परे है अभी यहीं पर काम कर रही है ना? क्या ये नहीं कर रही है? ये वो बुद्धिमत्ता है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। ये वो बुद्धिमत्ता है जो सृष्टि का गर्भ है। It is in the womb of that intelligence all creation is happening. उस बुद्धिमत्ता के गर्भ में सारी सृष्टि घटित हो रही है, और इसे आपके लिए नकारा नहीं गया है, उस तक पहुंच रोकी नहीं गई है। बात सिर्फ ये है कि आपने अभी उस ओर देखा ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तल्लीन हैं। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपके हार्मोन ने आपको इतना उलझा दिया है कि ऊपर देखना कभी नहीं होता। आप परे की किसी चीज पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप पर हावी हो गई हैं। इसी को हम माया कहते हैं। यही माया है। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, वो माया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये माया है। जब कुछ इतना जबरदस्त और शानदार और विशाल घटित हो रहा है, तो ये छोटी चीजें आपको व्यस्त रखे हुए हैं, और वे आपको ऐसा महसूस कराई हैं जैसे वे बाकी सब चीजों से ज्यादा असली हैं। इस सब का होना, ब्रह्मांड में आज तमामों शानदार चीजें हो रही हैं, बिल्कुल चमत्कारी और शानदार ढंग से। लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त रखता है। आया नहीं? यही माया है। क्या आप समझे?